हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी ने छोटे बड़े नेताओं को लेकर शर्तें साफ कर दी है। देश में जल्द ही होने जा रहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो चुकी है और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में उठापटक भी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में सोमवार को इससे जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इन राज्यों में टिकटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी ने सख्त रुख अपनाया है। राहुल गांधी ने कहा कि कितना भी बड़ा नेता हो, सिर्फ उनकी संस्तुति यानी कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं देना है, बल्कि मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देना है, भले ही उसका नाम कोई बड़ा नेता ना ले। उन्होंने कहा कि बाहर से आए नेता को सिर्फ इस आधार पर टिकट नहीं देना है कि वो जीत सकता है और उसके पास संसाधन है। पार्टी के नेता की अगर जीतने की संभावना है तो प्राथमिकता उसको ही देनी है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि किसी नेता के बड़े होने भर से उसे टिकट नहीं मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेता बड़ा है और जीत सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार, गंभीर मुकदमे, महिला या दलित के खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में मुकदमा दर्ज है तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा पार्टी भी सर्वे करवा रही है, इसलिए आपकी छानबीन से आए नाम और सर्वे के नाम का मिलान भी हम करेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।